नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तो अब जदयू घोषित कर ही चुकी है। ये वाकया 2014 में भी वापस आया था और फिर से एक बार जब 2024 में नरेंद्र मोदी का लिटमस पेपर टेस्ट होना है तो ये वाकया फिर से शुरू हो गया। लेकिन बिहार में राजनीतिक जानकार खासतौर पर बाबा बताते हैं कि नीतीश कुमार का ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, बल्कि नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि भाजपा ने उन्हें किस तरीके से डैमेज किया है। 2015 की परिस्थितियों को याद कीजिए, भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ हर रणनीति हर मोर्चे पर फेल रही। भाजपा ने हर वो तैयारी की थी जिससे नीतीश कुमार को वो रोक सके, लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम समय के फैसले यानी महागठबंधन बनाना और उसमें शामिल हो जाना और लालू के साथ वापसी कर जाना ने कहीं ना कहीं भाजपा के सारे समीकरणों पर एक साथ पानी फेर दिया था। अब बात यह है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तो हैं, लेकिन पीएम बनने के लिए उनके पास आंकड़े नहीं हैं। ये बात उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा आउट ऑफ इमोशन या हो सकता है कि स्वामी भक्ति या ये भी हो सकता है कि कार्यकर्ता के तौर पर इतने उत्साहित हो गए हों या हो सकता है कि उन्हें नीतीश की कुर्सी चाहिए हो, इस सभी कारणों की वजह से हो सकता है कि वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित भी कर रहे हैं और भाजपा को आंख भी दिखा रहे हैं। लेकिन इन योग्यताओं और संभावनाओं के बीच बिहार में एक बड़ी राजनीतिक चाल तो चली जा चुकी है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं तो दो चीज़ें होंगी। एक, नीतीश की कुर्सी खाली हो जाएगी जिसके लिए संभावित सीएम कैंडिडेट खोजना पड़ेगा, और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी या वो चुनाव हारेंगे तो नीतीश कुमार उनकी जगह ले लेंगे। इन दोनों संभावनाओं के लिए ना नीतीश कुमार तैयार है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना भाजपा। ऐसी स्थिति में ये होगा कैसे और क्यों होगा, तो जानकार बताते हैं। और अंदर के सूत्रों में अब ये बातें भी स्पष्ट हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार का जो प्रेशर टैक्टिक्स था ये भाजपा पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने और अपने पार्टी की क्षमता को बढ़ाने को लेकर था। जिस वक्त बिहार में चुनाव हुए, भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया तीसरे नंबर पर जाने के बावजूद, लेकिन भाजपा ने नीतीश के खिलाफ पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेला किया था जिसका एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान थे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले चिराग पासवान से बदला लिया, उसके बाद धीरे धीरे भाजपा को कमजोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे समीकरण सामने लाए। उसमें से एक बड़ा समीकरण था उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर लवकुश समीकरण की घोषणा करना। बाद में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सामने करके भाजपा से रिश्ते सुधारने का एक जरिया जरूर निकाला, लेकिन धीरे धीरे आरसीपी सिंह को साइडलाइन करके उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा ही आने वाले समय में भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्तों को तय करेंगे। और इन दोनों की बात अगर सुने तो ये स्पष्ट है कि ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। बिहार में कई दिग्गज नेता ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं खुलकर कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। खास बात यह है कि भाजपा की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहे। अब भाजपा के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने जब ये बात स्पष्ट कर दी कि हमारे सरकार में समस्याएं कई हैं लेकिन 5 साल चलाएंगे, ये बातें जीतन राम मांझी, ये बातें मुकेश सहनी सभी कहते हैं, ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाजपा के पास जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उस पर नीतीश कुमार की नज़र है तो ये रिश्ता कैसे चलेगा, और आखिर नीतीश कुमार ये जो स्थापित करना चाहते हैं ये कैसे करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार ने तो कभी भी खुले मंच से ये बात नहीं एक्सेप्ट किया है। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे इस झमेले में मत घसीटिए, मेरा एकमात्र ध्येय बिहार के वर्तमान परिस्थितियों को सुधारना है, जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, ना कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से आगे की जो कुर्सियाँ होती हैं उन पर चर्चा करना, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन पार्टी के कई नेता ये स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को पीएम बनना ही है, आज नहीं तो कल। ऐसी स्थिति में जानकार लोग ये बात कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ नीतीश कुमार कोई पर्दे के पीछे नया खेल कर सकते हैं। संभावना ऐसी बन गई हैं कि ओबीसी जनगणना को लेकर भाजपा भी अड़ गई है और नीतीश कुमार इस बात को लेकर मीडिया में भ्रम भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा उनकी बात मान लेगी। ऐसी स्थिति में अगर भाजपा नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है तो ये नीतीश कुमार छद एक छल होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास संभावनाएं खुल जाती हैं और संभावनाओं से बिहार में केवल एक ही मतलब है, नीतीश कुमार राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन
नीतीश कुमार ने अपने तैयारियों और अपने नेताओं के बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल आरजेडी के साथ कोई सीधा गठबंधन करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक समय याद दिलाता हूं जिस वक्त नीतीश कुमार और भाजपा में दूरी हो गई थी, 2014 की बात मैं कर रहा हूं, जिस वक्त नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर नीतीश कुमार ने अपना एक विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद वो एनडीए से अलग हुए थे और फिर बिहार में सरकार को लेकर एक संशय खड़ा हो गया था। फिर नीतीश कुमार को पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिला राजद और कांग्रेस की तरफ से। नीतीश सरकार चली और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगे चल के 2015 में एक गठबंधन बना जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव साथ हैं। तो पर्दे के पीछे भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार इसी खेल के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में नीतीश कुमार को ये बात स्पष्ट पता है कि भाजपा के साथ रिश्ते नहीं चलने वाले हैं। किसान आंदोलन हो या आने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या अन्य कई प्रावधान, इन सब पर भाजपा के खिलाफ उन्हें बोलना है। प्लस जो एक मात्र कॉन्स्टेंट अब यहाँ से रहेगा वो ये है कि 2024 तक लगातार नीतीश कुमार का चेहरा सीएम की जगह पीएम कैंडिडेट के लिए आगे करती रहेगी जदयू। और विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा समीकरण तैयार करने की कोशिश की है। लालू यादव लगातार घूम रहे हैं और वो जिन नेताओं से विपक्ष के मिल रहे हैं एक पुराना समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उनको एक चेहरा चाहिए होगा और अनफॉर्चुनेटली वो खुद उस चेहरे के तौर पर सामने नहीं आ सकते क्योंकि उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। और तेजस्वी यादव इस बड़े रोल के लिए फिलहाल अभी तैयार नहीं है, उतनी परिपक्वता उनमें नहीं है राजनीति। ऐसी स्थिति में उन्हें भी एक चेहरा चाहिए जो नीतीश कुमार हो सकता है। पूर्व में भी लालू यादव ने नीतीश कुमार के प्रति अपने प्रेम का इजहार कई बार किया है और नीतीश कुमार ने भी भाई वर्षा करते रहे नीतीश कुमार भी। यानी इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल हो जिसमें राजद भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार का साथ दे दे। और ऐसी किसी संभावनाओं से फिलहाल जदयू इनकार नहीं कर रही है। यानी आने वाले समय में लालू यादव का जो रोल है, लालू यादव का जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सियासी गलियारों में ये चर्चा अब आम हो गई है कि हो सकता है कि लालू यादव को कॉर्नर किया जा रहा हो, लालू यादव को इसके लिए तैयार किया जा रहा हो कि एक बार फिर से वो हिम्मत करके नीतीश कुमार को कमांड दे दे और बिहार में भाजपा को रोकने की तैयारी करे। अब क्या कुछ होता है वो तो आने वाले समय में क्लियर होना है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा और नीतीश के बीच रिश्ते गड़बड़ा रहे हैं ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में कोई नए संभावनाओं की तलाश जरूर करेंगे क्योंकि बिहार की सत्ता उनके लिए फिलहाल सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी में है। और बिहार की कुर्सी एक बार छूट जाती है तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि उसके लिए लगातार कई लोग वेट कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।